अस्सलाम वालेकुम, डेली मार्केट रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। आज के सी 100 इंडेक्स में तकरीबन 62 पॉइंट का जो है वो इजाफा हुआ है और ओवरऑल के सी 100 इंडेक्स जो है 41,856 के लेवल पे बंद हुआ है। ड्यूरिंग द डे मार्केट में जो है इंडेक्स ने तकरीबन 500 पॉइंट्स के आसपास भी जो है वो गेन किया था, लेकिन हम ड्यूरिंग द डे देखा कि मार्केट में जिस तरह सिचुएशन है और हम जिस तरह आपको प्रीवियस वीडियो में बताते रहे कि प्रॉफिट टेकिंग होते हुए नज़र आएगी और जहाँ लोगों को मौका मिलेगा वहाँ प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करते हुए नज़र आएंगे। ड्यूरिंग द वीकेंड जो खबर चली थी IMF के हवाले से कि IMF जो है वो सर्कुलर डेट, जो गैस का सर्कुलर डेट जो एक पाइलअप हुआ है उसको ख़त्म करने के हवाले से गवर्नमेंट से प्लान मांग रहा और चाहता है कि उस पर जो है अमल दरामद हो, तो उसी की वजह से आज जो है जब मार्केट खुली तो OGDC, PPL, इसके अलावा पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर, SNGPS, GCPSO, इन सब के अंदर जो है हमने एक तेज़ी देखी जिसने ओवर मार्केट को सपोर्ट किया, लेकिन फिर जिस तरह मैंने बताया कि प्रॉफिट टेकिंग होती हुई जो है वो नज़र आई। इसके साथ साथ हेस्कॉल के हवाले से भी जो है वो आज एक नोटिस आया जिसने हेस्कॉल को एक अपर लॉक के करीब जो है वो बंद किया, और जो भी हेस्कॉल के इस वक्त रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से बातें चल रही हैं वो बोर्ड ने उसके एक और प्लान की जो है वो अप्रूवल दे दी, जो रिवाइज प्लान जो अप्रूव हुआ, जिसकी वजह से आज हमने हेस्कॉल में भी जो है वो टॉपिक वॉल्यूम वाइज रहा है। ओवरऑल टैली भी जो इसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ, इसके बाद OGDC WTL में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। इसके साथ साथ आज वॉल्यूम्स भी जो हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट कुछ दिनों से बहुत बेहतर रहा और 289 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। आगे के लिए यही है कि मार्केट में इस तरह की जो है प्रॉफिट टेकिंग आते हुए नज़र आ सकती है, और जब तक IMF के हवाले से कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती मार्केट में कॉन्फिडेंस बेहाल नहीं होगा, और यही वजह है कि इसी तरह मार्केट जो है अप्स एंड डाउन्स या वॉलेटाइल सेशन जो है हमें आगे आने वाले दिनों के अंदर भी जो है वो देखने में मिल सकते हैं। थैंक यू।